नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। करेली नगर को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली इमलिया रोड की खस्ता हालत से परेशान लोगों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन हल आज तक नहीं निकला। इस रोड से दर्जनों गांव के लोगों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। महज 2 किलोमीटर की ये रोड लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है और लगभग 25 सालों से इस रोड की हालत ऐसी ही बनी हुई है, जैसे देखकर ये कहना मुश्किल होता है कि गड्ढे में रोड है या फिर रोड में गड्ढे हैं। इस रोड की खस्ता हालत से परेशान होकर इमलिया के सरपंच के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने चादर फैलाकर भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसके पीछे स्थानीय लोगों का उद्देश्य है कि इस दौरान मांगी गई भीख के पैसों को संबंधित विभाग के पास भेजा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जल्द इस रोड को बनवा दो, जिससे हम लोगों को परेशानी से निजात मिल सके और इससे मौजूदा सरकारों तक भी ये बात पहुंच सके कि एक सड़क की खराब हालत से दर्जनों गांवों के लोग परेशान हैं और ये रोड जल्द बन सके। इतना ही नहीं, इन लोगों का कहना है कि भीख मांगने के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखे जाएंगे, जिससे उनको भी ये पता चल सके कि ये महज 2 किलोमीटर की इमलिया रोड की खस्ता हालत से 25 सालों से जनता परेशान हो रही है और रोड की हालत में सुधार नहीं किया गया है। यहाँ की जो रोड खराब है 1.5 किलोमीटर तक की है और बरसात में यहाँ पर बहुत परेशानी आती है, क्योंकि यहाँ पर पानी भरता है, गिट्टी है, मट्टी है, कि धूल है, और यहाँ तक हमारे बच्चे तक यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी परेशानी होती है, यहाँ महिला ग्रामीण बुजुर्ग है, महिला हैं, बच्चे हैं, उनको भी परेशानी इस रोड से आ रही है। इस कारण से हम लोग आज धारणा किया कि यहाँ की रोड के लिए कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग को। क्या कंडीशन है रोड की, स्थिति कैसी? बहुत ख़राब है यहाँ की स्थिति। यहाँ की स्थिति ऐसे है, अगर हम लोग पैदल भी जाएंगे ना तो जो ट्रैक्टर ट्रक जो निकलता है उनकी गिट्टी हमारे पाँव में भी लगती है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं आज। क्या नाम? संध्या चौधरी। रोड जो है महीने दो महीने में निपट गई है, तो अब पूरे ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को आक्रोश जो है वो चरम पर है। जिस क्रम में हम सभी युवाओं ने, ग्राम इमलिया के वासियों ने, तीन क्रम में हमने इसका विरोध प्रदर्शन का किया है, जिसका पहला क्रम आज जो है भीख मांगकर ये रोड का निर्माण, हम चंदे को जो भी यहाँ आज पैसा इकट्ठा होगा इसको हम शासन प्रशासन समस्त भेजेंगे कि ये हमारी तरफ से राशि इकट्ठी हो गई, आप इसमें राशि मिला के रोड बनवा दीजिए। दूसरा चरण इसमें रहेगा पोस्ट कार्ड का, लगभग हम 2000 पोस्ट कार्ड जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। यहाँ के हमारे विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं बहन हैं जो आप ही साथ हमारे देख रहे हैं, ये सभी वो पोस्ट कार्ड को भेजेंगे। तीसरा, हम अगले सोमवार में लगभग 50 से 60 युवा इसमें पैदल या मार्च हम लोग करेंगे नरसिंह भवन कलेक्ट्रेट का, और माननीय कलेक्टर महोदया को हम इस रोड के इसकी जो है जानकारी देंगे कि किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण जो हैं इस मात्र 1.5 किलोमीटर की रोड का दंश झेल रहे हैं। यदि शासन प्रशासन चाहे तो मिनटों में ये रोड का काम हमारा करवा दे। सरपंच साहब, ये कब का, कहाँ कहाँ इस रोड की शिकायत हो चुकी है, कौन कौन लोगों ने आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक नहीं बन पाई? मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार से लेके कलेक्टर, संभागायुक्त और यहाँ तक कि जो हमारे पूर्व सरपंच रहे हैं, उन्होंने तत्कालीन रोड मंत्री, केंद्रीय रोड मंत्री नितिन गडकरी तक को लेटर वहाँ पर पहुँचा चुके हैं। तो अभी तक जो है केवल कागजी यहाँ पर खानापूर्ति हुई है। अब हम सभी युवाओं ने, सभी ग्रामीणों ने यह प्रण लिया है इस रोड को हम बनवा के रहेंगे। क्या नाम है? नीर सिंह काकोड़िया, सरपंच ग्राम पंचायत मलिया। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।